To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, आज के वीडियो में हम लोग नवम कक्षा में जो हिंदी की पुस्तक है छीटी और उसका जो पाठ संख्या 10 है वाक, उसकी रचयिता है, कवयित्री है ललद्यत। हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे मैं आपको बतला दूं, ललद्यत के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तहां से जो थोड़ी बहुत प्रामाणिक जानकारी है उसी के आधार पर हम उनके जीवन परिचय को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि ललद्यत का जन्म सन 1320 ईस्वी में अपना जो एक राज्य है जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर के श्रीनगर, ये श्रीनगर कश्मीर की राजधानी भी है और श्रीनगर के अंतर्गत पांपोर आता है, वही एक सिंहपुरा गांव है, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो किसान परिवार था, सामान्य परिवार था, और इनके पति का नाम सोन पंडित था। ललद्यत की अब तक एक ही पुस्तक, एक ही रचना उपलब्ध है जिसका नाम है वाट, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। ललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री रही है, संत कवयित्री रही है और इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का आधार स्तंभ भी माना जाता है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि ललद्यत फारसी और संस्कृत भाषा की भी विदुषी थी, जबरदस्त पकड़ थी फारसी और संस्कृत भाषा पर, लेकिन ये दोनों भाषा जन्म भाषा के नजदीक नहीं थी, इसीलिए फारसी में और संस्कृत में उन्होंने अपनी रचना नहीं की। कश्मीरी भाषा जनजन की भाषा थी, जनता के निकट की भाषा थी, इसीलिए उन्होंने इस भाषा का उपयोग किया और आज कश्मीरी भाषा की जो लोकप्रियता है उसका श्रेय आप बेहिचक ललद्यत को दे सकते हैं। ललद्यत कई नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें ललेश्वरी भी कहते हैं, लला भी कहते हैं, लल योगेश्वरी भी कहते हैं और ललालिफा भी कहते हैं। ये सब ललद्यत के ही नाम हैं और वे इन सभी नामों से विख्यात हैं, लोकप्रिय हैं। आगे आप जानकर दंग रह जाएंगे कि हिंदी साहित्य में जो स्थान कबीर का है, मीरा का है, तुलसी का है, रसखान का है या और भी जितने भक्त कवि हैं, श्रेष्ठ कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि है, उनमें से एक नाम और महत्वपूर्ण उपस्थिति ललद्यत की भी है। हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, मीराबाई के पद बहुत ही प्रसिद्ध है, तुलसीदास जी की चौपाई का तो कहना ही क्या है, पूरा जनमानस जानता है, रसखान के सवैये भी बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यत के वाक बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मैं आपको बतला दूं कि ललद्यत के काव्य शैली की विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने अपने काव्यों में, अपनी कविताओं में, अपनी रचना में जो हमारे धर्म के आडंबर है, मतलब जो धार्मिक आडंबर है, उसका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया कबीरदास की तरह, और हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठने की बात उन्होंने की। वे शैव थी, शिव को मानती थी, शिव के वे अनन्य उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उनके दृष्टि में प्रेम और भक्ति ही बहुमूल्य थे और यही सर्वोपरि थे और
1391 ईस्वी में ललदेव का निधन हो गया। इनके जो चार वाक हैं, आगे के वीडियो में हम उन वाक का प्रतिपाद वगैरह जानेंगे। धन्यवाद।